आज की बिजनेस बाजार की दो सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर, बड़ा झटका देने के मूड में सैमसंग, बहुत जल्द लगेगा इन फोन की मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस पर ब्रेक। सैमसंग भारत में अपने फीचर फोन्स के बिजनेस को लेकर बड़ा कदम उठा सकता है। ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार सैमसंग धीरे धीरे इंडियन मार्केट में अपने फीचर फोन बिजनेस को बंद करने वाला है। कंपनी इस साल दिसंबर में अपने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर डिक्शन के साथ मिलकर फीचर फोन के आखिरी बैच को मैन्युफैक्चर करेगी। माना जा रहा है कि कंपनी अब अपना फोकस महंगे सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स पर करने वाली है और अब सैमसंग के ज्यादातर हैंडसेट 15,000 रुपए से ऊपर के सेगमेंट में आएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि सैमसंग ने इस बारे में अपने चैनल पार्टनर से बातचीत कर ली है और आने वाले कुछ महीनों या इस साल के आखिर तक कंपनी भारत में अपने फीचर फोन के बिजनेस को बंद कर देगी। हालांकि सैमसंग या डिक्शन की तरफ से अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि रसिया यूक्रेन वॉर के कारण अब तक दर्जनों कंपनियों ने छोड़ा रूस, आज स्टारबक्स ने भी समेटा कारोबार। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया, जिसके बाद से दर्जनों कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। इन्हीं कंपनियों में अब स्टारबक्स भी शामिल हो गई है। स्टारबक्स ने 23 मई को रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया। कंपनी ने देश में अपने 130 कैफे बंद किए हैं। इससे पहले कॉफी श्रृंखला स्टारबक्स ने मार्च की शुरुआत में अपने कारोबार को रोक दिया था, लेकिन अब उसने कहा कि वह रूस से बाहर निकल जाएगी और अब बाजार में ब्रांड की उपस्थिति नहीं होगी। दोस्तों, बिजनेस से जुड़ी रोजाना ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रिच बढ़ती है और वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है।